देश में कोरोना मरीजों की संख्या 800 के पार, अब तक 19 लोगों की गई जान। 24 घंटे के अंदर 75 से ज्यादा लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि, 8 राज्यों में बढ़े कोरोना के मरीज। केरल में अब तक 164 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई, 1,00,000 से ज्यादा लोगों को घरों में आइसोलेशन में रखा गया। महाराष्ट्र के सांगली में आए कोरोना वायरस के 12 पॉजिटिव नए केस, राज्य में मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 147। उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 50 तक पहुंची, नोएडा में सबसे ज्यादा 18 कोरोना पॉजिटिव केस। पंजाब में मरीजों का आंकड़ा 38 तक पहुंचा, मोहाली और जालंधर में 1-1, जबकि होशियारपुर में हुई 3 नए मरीजों की पहचान। राजस्थान में 45 लोग कोरोना वायरस से बीमार हुए, अकेले भीलवाड़ा में 21 मरीज मिले। पश्चिम बंगाल में 15 कोरोना संक्रमित मरीजों का केस सामने आया, 5 नए मरीज पॉजिटिव पाए गए। कर्नाटक में कोरोना मरीजों की संख्या 62 तक पहुंची, अब तक कोरोना वायरस से 3 लोगों की गई है जान। तमिलनाडु में कोरोना वायरस के 6 नए मामले, मरीजों का कुल आंकड़ा 35 तक पहुंचा। बिहार में सामने आए कोरोना के 2 नए मरीज, राज्य में 9 पर पहुंचा कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा। दिल्ली से हजारों मजदूर पलायन को मजबूर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना मिलने पर पैदल ही किया सफर। यमुना एक्सप्रेसवे पर हजारों मजदूरों का पैदल मार्च, भूखे प्यासे लोग पैदल ही कर रहे हैं यात्रा। गाजियाबाद में पलायन कर रहे मजदूरों के लिए बसों का इंतजाम, एक बस में 100 मजदूरों को भरा गया। असम के विश्वनाथ में लॉकडाउन का असर, 100 किलोमीटर पैदल चलकर घर पहुंचे 80 साल के बुजुर्ग। पैदल घर लौट रहे मजदूरों को लेकर एक्शन में है सरकार, गृह सचिव ने सभी राज्यों को जारी किए खाने पीने के बंदोबस्त करने के निर्देश। मजदूरों के पलायन पर सोनिया गांधी की प्रधानमंत्री को चिट्ठी, कहा लोगों की मदद के लिए प्रशासन को दिया जाना चाहिए निर्देश। कोरोना के चलते मई के आखिरी हफ्ते तक टाली गई नीट और जी की परीक्षा, 3 मई को होना था इम्तिहान। सहारनपुर में 5 पुलिसकर्मी के कोरोना संदिग्ध पाने से हड़कंप, हथियार मोबाइल फोन और जीप को कराया गया सैनिटाइज। कटनी में लॉकडाउन के बावजूद बाहर निकले लोगों पर पुलिस ने बरसाई लाठियां, कई जगह कराई उठक बैठक। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 17 राज्य अस्पताल बनाने के काम में जुटे, स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने जानकारी दी। वायरस से जंग के लिए केंद्र सरकार ने बनाई है टास्क फोर्स, पीएसयू को 30,000 वेंटिलेटर बनाने का ऑर्डर। कोरोना को लेकर किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए सरकार ने कसी है कमर, भारी मात्रा में मास्क, ग्लव्स और पीपी खरीदने की तैयारी। कश्मीर में 8 जबकि जम्मू में 3 अस्पताल कोरोना मरीजों का इलाज करेंगे, 100 अतिरिक्त बेड बनाने का फैसला। यूपी में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए बनाई सरकार ने 11 टीमें, 20 आईएएस और 5 आईपीएस शामिल। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।